नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। लगातार हम लोग गांव गांव, ढाणी ढाणी और हर चौक चौराहे पे हम जा रहे हैं लोगों से बात करने के लिए कि क्या माहौल है 2023 चुनाव को लेकर। आज हम पहुंचे हैं भिवाड़ी के बिलाहड़ी गांव में और ये बस स्टैंड है साथ बिलाहड़ी गांव का। यहाँ पे सभी लोग, गांव के लोग आते हैं, चाय पे चर्चा कर रहे हैं, हुक्का की गुड़गुड़ाहट चालू हो गई है और लोग सुगुगाहट चालू हो गया चुनाव की। और लोगों से हम बात करने आए, आप देख रहे हैं कि मेरे साथ लोग बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, हुक्का की गुड़गुड़ाहट से हुक्का पी रहे हैं और लोग चर्चाएँ कर रहे हैं कि आने वाले 2023 चुनाव को लेकर क्या माहौल है। तो आप बताइए, क्या नाम है आपका? दीन मोहम्मद। तो क्या रहेगा इस बार 2023 चुनाव को लेकर? उम्मीद 2023 को लेकर उम्मीद है कांग्रेस सरकार आने की। निरपक्ष सरकार है, भाईचारा, हिंदू मुसलमान सब एक रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, जातिवाद की कोई बात नहीं करता। जिसको टिकट मिल जाएगा कांग्रेस का, उसको वोट देंगे। तो राजस्थान में हम बात कर रहे हैं तो जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, बसपा भी है, आम आदमी पार्टी भी है, तो आपको लगता है कि यहाँ क्या रहेगा? बढ़िया जो कैंडिडेट है होएगा उसके लिए वोट देंगे, जो सबको साथ लेकर चलेगा। बढ़िया आदमी चुनेंगे, टाइम टिकट मिलने के बाद में बढ़िया आदमी का चुनाव करेंगे। जो टिकट लेकर आएगा बढ़िया आदमी, जो सब जाति को साथ लेकर चले, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी है सब जाति को साथ लेकर चले, उसके लिए वोटिंग करेंगे। और तिजारा, विधानसभा की बात कर रहे हैं लगातार, जिससे कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, आप कांग्रेस ही हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस लगातार दो बार से हार रही है, बसपा का जीता यहाँ से। तो कांग्रेस या बसपा की बात करें, बीजेपी की बात करें, या बसपा से यहाँ से जो विधायक जीता है और जैसे आम आदमी पार्टी भी साथ यहाँ पे राजस्थान में आ रही है, तो आपको क्या लगता है इन चार पार्टियों में क्या रहेगा इस बार? देखो, ये हार जीत तो चलती रहती है, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी का, या कभी बसपा, ये हार जीत चलती रहती है। बढ़िया आदमी के लिए वोट देंगे जो टिकट लाएगा, हार जीत चलती रहती है। जो अच्छा विकास करेगा, अच्छा सबको साथ लेकर चलेगा, उसके लिए हम वोट देंगे। इस बार क्या रहेगा टिकट की हम बात करें, कांग्रेस की, बसपा की, या किसके साथ कम्युनिटी लगेगी? हम तो कांग्रेस के साथ, जो टिकट ले आएगा कोई भी जाति का ले आवे उसके लिए वोट देंगे। चाहे कोई हीर ले आवे, चाहे कोई इमरान ले आवे, चाहे फजल ले आवे, चाहे धुर्रू मियां ले आवे, उसके लिए वोटिंग करेंगे हम तो। अच्छा, तो आप बताइए, आप बताइए क्या कहेंगे, क्या रहेगा चुनाव? यही वोट की दवा, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, कांग्रेस की उम्मीद कर रहे हैं ज़्यादा ज़्यादा लेकर, ज़्यादा ज़्यादा लेकर पूरे राजस्थान में, तिजार क्षेत्र में, उसमें भी ML कांग्रेस को बढ़े। तो कांग्रेस तो दोबारा बार हार रहे, दो बार हाल के बार ऐसे होता है, मौका रहता, हार भी जाती है, बाद मौके जीत भी जाती है, तो ऐसी चलती रहती है भाई। सदा तो कोई नहीं रहा, कभी कोई जीत जाता, कभी कोई जीत जाता, कभी कोई हार जाता, कभी काय का इलेक्शन हो जाता बढ़ती, कभी काय का कम हो जाता है। तो इस बार क्या कोई भी टिकट लाए कांग्रेस, वो जिसको जिताएंगे मैं वो समाज लगेगा? हाँ बिल्कुल, पक्के लगा दो उसके साथ। हर बार लोग खड़े होते हैं, उसको उसको क्या रहेगा? हर बार के साथ लगेंगे लगेंगे, जो टिकट कोई भी कौम का लाएगा, कोई बिरादरी का लाएगा, हमें कोई तकलीफ उसकी टिकट के साथ, वोट है कांग्रेस की, ये हमारा राय। तिजारा विधानसभा, तिजारा विधानसभा। आप बताइए, आपका क्या नाम है? रुद्र। क्या रहेगा इस बार? भाई हम तो कांग्रेस, यार कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस की वोट है, बाकी कांग्रेस को देंगे, देंगे कांग्रेस को ही, कांग्रेस को ही वोट देंगे, चाहे हारे या जीते कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा, हाँ कांग्रेस को ही देंगे, कांग्रेस का ही बनेगा अल्लाह चाहे तो। अच्छा, हाँ हमारा तो रहा यही है, कांग्रेस की वोट देंगे। आप बताइए क्या रहेगा, जैसे पिछली बार बसपा जिता दी आप लोगों ने, बसपा की यहाँ से लड़ा है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, आम आदमी पार्टी भी यहाँ पे आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से राजस्थान का समीकरण बैठ रहा है, और तिजारा विधानसभा की बात करें तो क्या रहेगा सर? जमशेद जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा, 24 आपका जो चैनल है, इस माध्यम से आप गाँव गाँव, ढाणी ढाणी जो आप घूम रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर समीकरण ये है जी, कांग्रेस सरकार ही आएगी राजस्थान में, सारे देश में कांग्रेस की लहर चल रही है, और पिछली बार कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो तोड़ने की बात करते हैं, अब की बार ऐसे हुआ है सारे गांव में, ढाणी में, ये तिजारा तहसील की, क्या मैं अलवर ज़िले की बात कर रहा हूँ, सब ने मन बना लिया है कि अब की बार हम कांग्रेस को वोट देंगे, और जो ये छुट भैया है ना और पार्टी, ये सब ये कॉम्प्रेस की वो करते हैं, ये बिगाड़ने वाली बात करते हैं राजनीति, और अब की बार जितनी भी राजस्थान में बहुमत से सरकार बनेगी,
लोगों को लोग कहते हैं कि मेयो कम्युनिटी बहक जाती है जब चुनाव आता है, तो इस बार क्या रहेगा, बहकेगी क्या? नहीं जी, अब की बार नहीं बहकेगी। अब की बार ये सबने मन बना लिया है और गांव में मतलब एक बैठक भी हो रही है, लोग बाग चाय भी पी रहे हैं, हुक्का भी पी रहे हैं, बैठ के बात करते हैं पिछली बार क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लोग बाग गुमराह कर दिया था इधर उधर बात करके। अब की बार ओनली कांग्रेस, कांग्रेस जिसको टिकट देगी। देखो सब अपने भाई हैं, नवाब साहब भाई, फजल हुसैन जी, अगर कोई और आता दिलावर जी, दो चार और भी आदमी जो कह रहे भाई हम टिकट की दौड़ में हैं, मतलब सारा समाज एक साथ है सिर्फ कांग्रेस के साथ में। और जब जिसी को टिकट मिल जाएगा, बाकी जो और जो तैयारी कर रहे हैं वो सारे कांग्रेस के समर्थन में रहेंगे, ना कि वो अलग से चुनाव लड़ेंगे। तो जो लगातार जैसे आरोप लगता रहता है कि हर बार भाई बाहरी है, तो इस बार क्या बाहरी का मुद्दा रहेगा क्या? नहीं जी, बाहरी का कोई मुद्दा नहीं है। ये जो हमारी पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी है, ये उसी को टिकट देगी जो सबको साथ लेकर चलेगा, जो सब सर्व समाज की बात करता है, तोड़ने की बात नहीं करता। और यहाँ सारे लोग बाग जो सब पुराने आदमी हैं यहाँ पे, और सिर्फ वो भी कांग्रेस की बात करते हैं, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं करी कि भाई ये बाहरी है, ये कुछ ऐसा है ऐसा है। मेरे दिमाग में दो चार आदमी होते हैं बिगाड़ने वाले, और आगे से ऐसा नहीं होगा। तो पिछली बार जैसे कांग्रेस आप कह रहे हैं कांग्रेस लगातार यहाँ से दो बार से हार रही है, तो उसका क्या रीजन रहा? क्या इस बार क्या वो फैक्टर लागू नहीं होगा कि इस बार नहीं करेगा? साहब पिछली बार भी दूसरे नंबर पे थी कांग्रेस, यहाँ पे 55,000 वोट आई थी, लेकिन हमारे जो नवाब साहब थे वो सीधे आदमी हैं, वो लोग बाग पिछली बार एकाध कितने करोड़ रुपए खर्च करे थे इनको हराने के लिए, भाई बीजेपी ने भी, और भाई बीच में एक और आदमी आके भाई हाथ मार गया उसमें, उन्हें उनका तो यहाँ पर नाम पता भी नहीं था उनका। यहाँ सिर्फ सब जो तिजारत तहसील है ये ओनली कांग्रेसी है, और लोग बागों को मन उब गया है। हम तो ये कह रहे सिर्फ कांग्रेस ही है जो सबके भले में रहेगी। और जी आप बताइए क्या कहेंगे? तो आप बताइए क्या रहेगा इस बार 2023 चुनाव को लेकर, किस तरह से रहेगी, किसकी सरकार आएगी, कांग्रेस बीजेपी बसपा या कोई अन्य दल? और तो सब खत्म है, कांग्रेस रहेगी और कांग्रेस को साथ देंगे, एक भी वोट ना जान दें बाहर। अब दो बार से तरह जारी है, बाहर दो बार से तो बाहर ही जारी है ना, अब ना जान दे, अजल फजल को दे देवा, ये वोट बिगाड़न को खड़ा हुआ ना दे सो आपके पास, दोबारा खड़ा हो गए दोबारा खड़ा ना हो वोट तो होगा तो ना दो एक भी वोट, जो कांग्रेस को टिकट दिया हुआ खुद देंगे। कांग्रेस तो आएगी, हम लट बाजार भी आएगी। अच्छा और कहा, तो पिछली बार क्यों हरा दी दो बार से? तो हार जान दे, हार गई तो अब दोबारा आ जाएगी, आंख करनी उनके भी, हार जीत चलती रहेगा। सही है, कांग्रेस सरकार को देगा, कांग्रेस कोई आ जाए, कांग्रेस। आप बताइए, कांग्रेस आएगी इसमें, अब कांग्रेस ही आएगी। अब हाँ आप बताइए। हाँ मैं आइए, और भी लोग बैठे हैं उनसे हम बात करते हैं क्या माहौल है आने वाले। आ जाओ बताइए भाई साहब, आप लोग बैठे हैं क्या रहेगा इस बार 2023 चुनाव को लेकर? क्या नाम है आपका? खुर्शीद। क्या रहेगा इस बार भाई? जो कांग्रेस स्टेट ले आएगा उसको वोट दे देंगे, क्या बात है? कांग्रेस हार रही है ना यहाँ से? हार गई तो हार गया, मतलब हम तो कांग्रेस ही हैं, कांग्रेस को देंगे। अच्छा आप बताइए। कांग्रेस ही हूँ, पता है कांग्रेस ले क्या रहेगा? जो टिकट लिया आएगा कांग्रेस का उसको वोटिंग करेंगे। हारे जीते, हारे क्या वो जीते, जो टिकट लिया आएगा उसको वोट दे देंगे बस। आप बताओ भाई, मोए तो तू नहीं रहना। वोट ना डाला? वोट तो मैं डाल दूंगा जहाँ मेरी मर्जी में आएगी। अच्छा तो नहीं रहने दो। लगातार लोगों का कहना है कि, और लोगों से बात करते हैं, और आप बताइए जी क्या रहेगा इस बार 2023 को चुनाव को लेकर आने वाले हैं, आप बताइए। ये दिलावर टिकट पक्का मिलेगा? दिलावर साथ रहेंगे, दिलावर टिकट मिलेगा तो, दिलावर साथ रहेंगे, दिलावर टिकट मिलेगा तो, और कांग्रेस साथ ना रहे, दिलावर को मिलेगा तो, और साथ किसी और को मिले, जब और को मिलेगा ना दिया, बीजेपी में फिर बीजेपी में देंगे फिर तो क्लियर। ओ, कि 2023 में चुनाव आने वाले हैं, किसकी सरकार आएगी, कांग्रेस बीजेपी बसपा या अन्य? देखो जी, जिसकी नसीब में जीत लिखी आएगी तो खैर वही, लेकिन जनता के हिसाब से और
हमारे स्टेट के हिसाब से तो बेहतर तो यही है कि कांग्रेस ही आए। हमारी जो अपनी सोच है, देखो हमें विकास चाहिए, हमें दोगली राजनीति नहीं चाहिए, हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेकुलर आज़ाद मुल्क जिसकी हर एक बंदे की सोच हो, हर एक का बोलने का अधिकार हो, हर एक की सोच रखने का अधिकार हो। ऐसा नहीं है कि किसी को मुस्लिम को टारगेट करो, हिंदू को टारगेट हो। हमें चाहिए विकास वाली राजनीति, जो विकास करेगी वो तो अपने आप पाएगी, हम तो उसके साथ हैं, जो हमारा भला करेगी, हमारे क्षेत्र का भला करेगी, हमारे स्टेट का भला करेगी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, और वो आने वाले समय में माहौल देखेंगे जो पार्टी होगी उसके साथ सहयोग करेंगे। अभी क्या विकास नहीं हो रहा क्या? नहीं, विकास तो सर है, विकास ऐसा नहीं है, विकास तो है, बहुत विकास है, अगर देखा जाए तो बहुत कम भी है, इतना भी नहीं है और इतना भी नहीं है कि नहीं हुआ नहीं है। बहरहाल विकास है, कांग्रेस सरकार ने विकास किया है, बहुत अच्छा विकास किया है। इसी बार दो बार से कांग्रेस हार रही है सर। देखो हारना जीतना तो हमारे राजस्थान का तो ये 50-50% है कि 5 साल हम कांग्रेस को देते हैं, 5 साल बीजेपी को देते हैं। राजस्थान का तो ये चेंज हो जाएगा। हाँ चेंज, देखो 100% तो हम नहीं कह सकते, चेंज हो सकती है, बहुत पार्टी हैं अभी, ऐसी नहीं है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, और निर्दलीय पार्टी बहुत है, चंद्रशेखर आज़ाद है, और अपने केजरीवाल भी अब पाँव पसार रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी, और वो देखो सर जिसको इज्जत देगा ऊपर वाला वो सर स्टेट में आएगा, अब वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, हम तो विकास की तरफ देखेंगे जी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। थैंक यू बात करने के लिए। तो लगातार जैसे हम लोगों से बात कर रहे हैं कि 2023 में चुनाव को लेकर क्या माहौल है, कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी या बसपा या कोई अन्य दल, आपको क्या लगता है कि तिजारा विधानसभा की बात कर रहे हैं क्या रहेगा इस बार? तिजारा में तो कांग्रेस ही आएगी, तिजारा में तो कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस तो दो बार से हरा रहे हो, कांग्रेस कहाँ से आ जाएगी? कौन से कहाँ हरा रहे? ऐसा है, हम तो सारे दे रहे हैं वोट, 56,000 वोट दिए, मैं थोड़ी वोट दिए भाई, फजल खड़ा है वोट तो वो भी उठाता है, जो भी टिकट लेगा अब के मेयो वो कामयाब होगा। तो हर बार तो होता ही नहीं, इस बार कैसे हो जाए, क्या कोई नई कोई टेक्निक लेके आए होंगे? नहीं, सबको पता लग गया दो बार का, जो दो बार जो हुआ है ना जी। क्या हुआ मेवात में? कुछ भी नहीं हुआ। ये देखो यहाँ गांव में जाके इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है, इतना पानी भर रहा, लेटरिंगों का पानी है, बच्चे स्कूल भी नहीं जाते हैं, बहुत बुरा हाल हो रहा है। काफ़ी शिकायत उसमें भी कर दी, नगर परिषद में भी, उसका वो भी आया था एक्शन, उससे भी खूब कह लिया, और इस पानी के ऊपर झगड़ा भी हो गया, यहाँ आदमी मर जाता इस पानी के ऊपर। अच्छा, हाँ तो क्या आश्वासन मिल रहे हैं आपको इसके लिए? भाई ये कह रहे हैं आते हैं चले जाते हैं, देख के नुके करवाते हैं, करता कोई है नहीं। अच्छा, कांग्रेस आएगी यानी कि तिजारा? बिल्कुल कांग्रेस आएगी। तो आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं कि आने वाले 2023 के चुनाव को लेकर क्या माहौल है, लगातार लोगों से हम बात करते जा रहे हैं, गांव-गांव, ढाणी ढाणी और हर चौराहे पे हम लोग जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि आने वाले 2023 के चुनाव को लेकर क्या माहौल है। लगातार देखते रहिए, कैमरामैन साहिल के साथ मैं हूँ आपके साथ जमशेद खान।